सही गुलाबी नस्ल में है। अगर इसको खिलाना पिलाना दूध से, गंदम से, चारे से, ये मेहनत बड़ी करनी पड़ी है। एक साल इसका पालना है, ये दूध से पला हुआ है। मैं इसका पालना भी बड़ा मुश्किल है, खर्चा बहुत है। तकरीबन 60,000 होगा एक साल में, 60,000 होगा। अगर इसका वज़न 100 किलो है, कराची वाले बोलते हैं 1,40,000, मैं बोल रहा हूँ 2.5 लाख, कम से कम 1,80 तक बिकेगा। ये कामोरी नस्ल का है, हमने जब लिया है तकरीबन 32,000 रुपये का। फिर इसको हमने 1.5 साल होगा इसको पाला है। तकरीबन मेहनत जो होता है, गंदम दाल, ये खिचड़ी वगैरह, और इसको दूध भी हम पिलाते हैं और असल घी भी इसको हम देते हैं। तकरीबन इसका अंदाज़ा है कि 3.5 मन हो जाएगा इसका। 10 लगा रहे हैं, 20 लगा रहे हैं, 60, 65, 70 से ऊपर नहीं लगे हैं। 32,000 रुपये का ख़रीदे, समझो आधा से आधा भी हमें नहीं दे रहा है, और हमने जो मेहनत की है तकरीबन मेहनत के पैसे भी तक नहीं आ रहे हैं। बस हमारा उम्मीद है कि 90-95 या आखिरकार 85 का देने का मूड है। एक गुलाबी नस्ल है, एक गंदम खाता है, कास खाता है, चोकर खाता है। 1,20,000 का बकरा है, मूल सही नहीं मिलता हमारे को। 60 मिल रहा है, 40-45 मिल रहा है, सही बकरे का मूल नहीं लगता। सही 1 लाख का बिके तो सही है। हमारे पास जो ब्रीड है इस पर बकरों की, वो दो ब्रीड्स हैं। एक हमारे पास कामुरी हैं और दूसरे हमारे पास टापरे हैं, और ये दोनों ब्रीड एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। कामुरी की जो खसूसियत है वो ये है कि वो उनके कान बड़े लंबे होते हैं और उनके कलर्स बड़े अच्छे होते हैं। मोस्टली जो हैं वो हमारे पास वाइट कलर में, जो ओरिजिनल ब्रीड होती है वो प्योरली वाइट होती है। और दूसरे हमारे पास टापरे हैं। टापरे जो होते हैं ये साइज़ में छोटे होते हैं, थोड़ा सा देखा जाए तो हिरन की तरह थोड़े खूबसूरती में लुक में आते हैं ये। और हमारे पास ये पल्ले हैं मीरपुर खास से, हमने पाले थे इसको, हमारी अपनी ज़मीन है वहाँ पे पाले थे, क्योंकि बकरे जो हैं चलते फिरते रहें और ग्रेजिंग करते रहें तो अच्छा रिज़ल्ट आता है उनका, क्योंकि वहाँ पे चारा हमारा लगा हुआ है, हम उनको वहीं पालते हैं। और ईद से कुछ टाइम पहले फिर हम इसको कराची लेकर आते हैं। बकरों की रेंज हमारे पास जो स्टार्ट हो रही है वो तकरीबन अराउंड 25 से लेके 65 तक की हमारे पास इस वक्त रेंज है।